एडवांटेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के लिए कि जो ये मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एडवांटेज क्या है। ये एक तो बहुत ही चीपेस्ट मेथड है, इसके इक्विपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, चीप जो वैल्यू है इनकी वो बहुत ही सस्ते हैं, तो इसको हम आसानी से परचेज करके यूज कर सकते हैं। सेकेंड क्या है कि बेड साइड ऑपरेटेड है, इसको हम कहीं पे भी ले जाके इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड इसका क्या है कि इसको मोस्टली रूरल एरिया में यूज किया जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है या ज़्यादा हिल्स एरिया में है, यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसके ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इसके लेस एक्यूरेट जो रिजल्ट होते हैं वो लेस एक्यूरेट होते हैं। सेकेंड कि इसको हम एक स्टैंडर्डाइज मेथड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटेड नहीं करते, इसको एक हमारे पास ग्लास कंपैरेटर है उसके साथ हम मैच करते हैं, क्योंकि इसमें एरर आने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि ये विजुलाइज मेथड हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी की विजन में डिफरेंस है, आई साइट में प्रॉब्लम है, तो वो भी इसके वहाँ पर भी विजुलाइज जो एरर है वो आ सकते हैं। थर्ड है इसमें कि लाइट सोर्स की वजह से भी इसमें एरर आ सकता है, हम डे लाइट में इसको परफॉर्म कर रहे हैं या फिर हम आर्टिफिशियल लाइट में इसको परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी वजह से भी इसमें एरर आ सकता है। फोर्थ है कि अगर हम इसमें एक्यूरेट मात्रा में एन बाई टेन नहीं यूज करते हैं तो भी इसमें एरर आ सकता है, या फिर हम इसमें ज़्यादा डिस्टिल वाटर डाल लेते हैं तो भी इसमें एरर आ सकते हैं। तो ये थे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आइए अब हम चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ कि हमारे 5 मिनट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम अपने टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, इसको दोबारा से हम इसको जहाँ छोड़ा वहीं से स्टार्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं इसको आगे। तो इसके बाद क्या है कि हमारा जो कलर है वो अच्छे से डेवलप हो चुका है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे ताकि हम इसके कलर को डाइल्यूट कर सकें और ग्लास कंपैरेटर के साथ इसको मैच कर सकें। तो आइए अब हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है डिस्टिल वाटर डालते हैं। अब हम इसको स्टीरियर की हेल्प से मिक्स करके देखेंगे कि जो हमारा कलर है वो अच्छे से डेवलप हुआ है या नहीं है, ग्लास कंपैरेटर के साथ मैच होता है या नहीं होता है। अगर वो मैच हो जाता है तो हम इसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे, और अगर वो मैच नहीं होता है तो हम दोबारा से इसको डाइल्यूट करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देखिए दोनों कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम इसको थोड़ा सा और इसमें 2-3 ड्रॉप डिस्टिल वाटर की ऐड करेंगे ताकि जो हमारा कलर है वो बिल्कुल एकदम से ये हमारा कलर जो है वो मैच हो गया इसके साथ, तो हम इसकी रीडिंग को नोट करेंगे। जो हमारा कलर है वो मैच हो गया इसके साथ, तो अब जो है हम इसकी रीडिंग को नोट करेंगे। बेसिकली ये क्या होता है, इसमें 2 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से इसमें मार्किंग होती है, तो हम मार्किंग के हिसाब से काउंट करेंगे 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये 10 पॉइंट से ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, तो इट मीन्स 10.2 जो हमारा पेशेंट है उसका हीमोग्लोबिन कितना हुआ, 10.2। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम इसको मेज़र कर सकते हैं और आसानी से हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, आज का जो टॉपिक था वो यहीं पे फिनिश होता है। अगर किसी की भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन जो है वो पुटअप कर सकते हो, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपकी उस क्वेरी का जो आंसर है वो मैं उसमें डाल दूँगा और आप उसमें देख सकते हो। तो स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।